तक जानी चाहिए। मोदी जी को और इस देश के सारे सांसदों को पता चले अधिवेशन चल रहा है कि यहाँ जो संसद में आज हिंदू बन के बैठे हैं वो इस राजा के बलिदान के कारण बैठे हैं। और इसलिए दिल्ली तक जाने वाली आवाज धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की। मंच पर उपस्थित मी हिंदी दिवसासाठी बोलतो। बिठाजींचं भाषण माझ्या नंतर आहे। खरं तर महाराष्ट्रात आलं तर मलाही वाटतं मराठीत बोललं पाहिजे, परंतु दोन कारणांनी हिंदीत बोलतो। एक तो बिट्टाजी को मैं क्या बोल रहा हूं पता चले, दूसरा इसलिए भी हिंदी में बोलूंगा क्योंकि संभाजी महाराज उनका कार्य उनका बलिदान उनकी सरकार चलाने की नीति उनके महान निर्णय ये समूचे विश्व को पता चलने चाहिए, इसलिए हिंदी में बोलूंगा। नहीं तो मातृभूमि में आकर मराठी बोलने का मोह होता है। मित्रों, विश्व में कई राजा हुए, हर राज्य के राजा के प्रजा को उसके राजा के प्रति प्रेम होना स्वाभाविक है, लेकिन हमारा राजा अलग क्यों है? क्योंकि राजाओं के बलिदान तो बाकी राज्यों में भी हुए, दूसरे राजाओं ने भी अपने राज्य की रक्षा के लिए बलिदान दिए, फिर संभाजी महाराज ही क्यों? इनके लिए धर्म रक्षक ही धर्मवीर ही क्यों? क्योंकि स्वराज्य रक्षक तो हर राजा होता ही है, ये उसका कर्तव्य है ही, लेकिन स्वराज्य छोड़कर स्वराज्य से ज्यादा मिलने वाला बड़ा मिलने वाला राज्य जो कि औरंगजेब कह रहा था कि मैं तो दिल्ली जाना चाहता हूं, मैं हिंदुस्तान का बादशाह बनूंगा, आप मराठों का राज्य भी रखो, नीचे आदिलशाही निजामशाही कुतुबशाही भी मैं आपको देकर जा रहा हूं, बस आप मुसलमान बनो। उन्होंने कहा कि तुम मुझे पूरे ब्रह्मांड का भी राजा बनाओगे तो मैं लात मारूंगा लेकिन हिंदू धर्म नहीं छोड़ूंगा। नहीं तो राज्य प्राप्ति के लिए समझौते करने वाले राजाओं की कहा कमी है? संधियां होना तो स्वाभाविक माना जाता था, कोई बड़ी बात नहीं थी। राज्य बचाने के लिए संधि की लोग मान जाते थे, धर्म बदल दिए, लोगों ने अपनी बेटियां दी, लेकिन यहाँ पर प्राण देना मंजूर किया। मित्रों, हमारा राजा इसलिए भी महान है कि कई महापुरुष लाखों वर्षों का हिंदुस्तान है, बलिदान की महान परंपराएं, विश्व की कोई सभ्यता संस्कृति 2000 वर्ष से ज्यादा टिकी नहीं, लेकिन इस्लाम के इतने बड़े आक्रमण के बावजूद ईसाई के इतने बड़े षड्यंत्र के बावजूद आज भी हम बहुसंख्यक है, ये क्यों है? क्योंकि मित्रों, इस देश में केवल राज्य के आगे सोचने वाले राजा हुए, जैसे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। मित्रों, संभाजी महाराज इसलिए प्रासंगिक है, मैंने कहा कि इतिहास में कई राजा हुए लेकिन समय के साथ उनकी प्रासंगिकता समाप्त होती गई, क्योंकि काल बदला, समय बदला, परिस्थिति बदली, परिवेश बदला, सत्ता बदली, तो उनका जो समय अनुकूलता है उस अनुसार उनके संदर्भ बदल गए, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज और उनके विचार आज भी क्यों है? और आज क्यों पूरे देश ने संभाजी महाराज के इस काम को समझना चाहिए? खास करके मैं उत्तर भारत में दिल्ली में रहता हूं, पूरे उत्तर भारत में हम जब संभाजी महाराज जी के बारे में बताते हैं तो हम कहते हैं कि मित्रों, आप उस समय काल को याद करिए कि जब औरंगजेब को हिंदुस्तान का बादशाह बनना था और समूचे हिंदुस्तान पर राज करने के लिए उसने अपने सगे भाई दारा शेखो की गर्दन काटी थी, सगे भाई की, दारा शेखो। इतना ही नहीं, उसने अपने बाप को जेल में डाला था क्योंकि बाप मर नहीं रहा था, बस जब मरेगा नहीं तो फिर सिंहासन कैसे मिलेगा, इसलिए बाप को कहा कि तुम गद्दी छोड़ो, बाप छोड़ने को तैयार नहीं था, तो उसने उसको आगरा की जेल में कैद में डाला। ऐसा औरंगजेब, उसके बेटों को भी उसने जेल में डाला, ऐसा औरंगजेब अपने बाप को जेल में डालता है और पानी तक नहीं देता, ज्यादा पीने को जितना चाहिए उससे कम देता है। तो औरंगजेब का बाप कहता है, अरे तेरे से तो वे हिंदू अच्छे हैं,
तू जीवित रहते हुए मुझे पानी नहीं दे रहा है और हिंदू मरने के बाद प्रतिवर्ष 15 दिन का अपना श्राद्ध मनाते हैं और अपने पुरखों को पानी देते हैं, अन्न खिलाते हैं, नैवेद्य देते हैं, उसका श्राद्ध का पालन करते हैं और ऐसे औरंगजेब के नाम पर हिंदुस्तान में और खास करके महाराष्ट्र में औरंगाबाद नाम का गांव था, शहर था, अब उसका नाम छत्रपति संभाजी नगर हुआ है। आज उनके स्थान से हाथ उठाकर हम मोदी जी का ताली बजाकर धन्यवाद करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे राज्य सरकार ने उस शहर को मंजूरी दे दी। परसों में वहां पर हिंदू आक्रोश मोर्चा में था तो वहां के सांसद और वहां पर कुछ औरंगजेब के पिल्ले कह रहे थे कि हम इस नाम को बदलने नहीं देंगे। हमने कहा कि अब यह नाम बदल चुका है, अब जब तक सूरज चांद रहेगा छत्रपति संभाजी नगर ही नाम रहेगा। देखिए कैसे लोग आ गए, औरंगजेब के मजार पर जा रहे हैं, आना कहां चाहिए, यहां आना चाहिए, लेकिन औरंगजेब के मजार पर जा रहे हैं। मैंने वहां के भाषण में इतिहासकारों को चुनौती दी थी, बिट्टा जी आप जानते हैं शिव औरंगजेब हिंदुस्तान का राजा बनने में सबसे बड़ी बाधा मराठे थे और इसलिए औरंगजेब 15 लाख की सेना लेकर महाराष्ट्र की तरफ आया। फिर तब महाराष्ट्र नहीं था, हमारा हिंदवी स्वराज्य था और सेना लेकर आया। 27 वर्षों तक मराठों ने औरंगजेब को कुत्ते की तरह दौड़ाया और यही गाड़ दिया, लेकिन उसको जीतने नहीं दिया। ऐसे ऐसे राजा एक तरफ, ऐसे खूंखार बादशाह एक तरफ, लेकिन उसके नाम से रोने सीना पीटने वाले लोग है। हमने वहां पर घोषणा की कि जिस भी दुकान पर अब औरंगजेब औरंगाबाद लिखा होगा उस दुकान से कोई सामान नहीं खरीदेगा। अब नाम बदल गया, इतिहास हो गया, लेकिन अब संभाजी महाराज नाम केवल बदल देने से काम होने वाला है क्या? नहीं। आज की प्रासंगिकता यह है कि संभाजी महाराज आज इसलिए भी याद होने चाहिए कि इस कोरोना काल में हमारे धर्म से सबसे बड़ा पलायन हुआ, धर्मांतरण हुआ। पिछले 20 वर्षों में जितने लोग हिंदू धर्म छोड़कर ईसाइत में गए होंगे, क्रिश्चियन बने होंगे, उतने केवल 3 वर्षों में इस कोरोना काल में बने हैं, केवल राशन के लिए, चावल के लिए, चंद पैसों के लिए। इस देश में जब कोई चावल की बोरी के लिए धर्म छोड़ता है, कोई वीजा पाने के लिए कनाडा जाने के लिए धर्म छोड़ता है, कोई तुच्छ सत्ता प्राप्ति के लिए धर्म छोड़ता है, तो मैं उसको कहता हूं कि हमारे संभाजी महाराज का चरित्र पढ़ो, तुम कभी भी धर्म नहीं छोड़ोगे। इसलिए भी प्रासंगिकता है मित्रों, ये प्रासंगिकता हमने विश्व के सामने संभाजी महाराज की बतानी चाहिए। और इसलिए मैंने 9 अगस्त 2005 को जब सुदर्शन चैनल को दिल्ली से प्रारंभ किया तो मैंने कहा कि ये चैनल कैसा हो। 100 लोगों को मिला था, मैं तब के एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिला था, मोदी जी को, ऐसे 100 लोगों को मिला कि ये सुदर्शन चैनल कैसा होना चाहिए। जब मैं ध्यान में बैठा, पूजा करके ईश्वर से कुछ मार्गदर्शन चाह रहा था तो मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि छत्रपति संभाजी महाराज होते और उनका चैनल होता तो कैसा होता, वैसा सुदर्शन होना चाहिए। आज सुदर्शन धर्म रक्षा का काम करता है, गलत को गलत कहने की हिम्मत कहता है, अगर कोई धर्म के विरुद्ध बोलता है तो बिंदास होकर, बेखौफ होकर उसके विरुद्ध बोलता है, चाहे बोलने वाला कोई हो, अन्याय करने वाला कोई हो। आप जानते हैं मेरे ऊपर दाऊद से ज्यादा केसेस है, 1824, अभी संभाजीनगर में एक और हो गई 1825, सारे गैंग को पकड़ेंगे तब भी इतने एफआईआर नहीं है, इतने मेरे ऊपर है। ये किस लिए है? ये केवल भगवा हाथ में लेकर हिंदू राष्ट्र है कहने के लिए। अरे मैं कहते रहूंगा, पिछले दिनों 2 वर्ष पूर्व दिल्ली में मैंने हिंदू राष्ट्र की शपथ ली, मतलब क्या, तो रायरेश्वर पर 26 अप्रैल 1645 को
छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जो शपथ ली थी वही शपथ मैंने दिल्ली में ली, क्योंकि महाराज जी का सपना लाल किले पर भगवा लगाना अभी भी है, वो पूरा करना है, अटक से कटक तक लगाना है। मैंने तो कुछ नहीं अलग से किया, मैंने बस शपथ ले ली। लेकिन कुछ कठमल्लों को वो शपथ में भी हेड स्पीच दिखाई दिया, उन्होंने पुलिस के पास गए कि सूरज चव्हाण के पे फायर करो। दिल्ली पुलिस ने कहा कि इसमें कहीं किसी के खिलाफ बोला ही नहीं है, केवल हिंदू राष्ट्र की बात की है, तो इसमें एफआईआर नहीं बनता। फिर वो हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट में भी बात नहीं बनी, देश के सर्वोच्च न्यायालय में गए और अभी मेरे विरुद्ध देश के सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है कि शिवाजी महाराज जी ने ली हुई शपथ को दिल्ली में लेना अपराध है क्या नहीं। क्या मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या छत्रपति शिवाजी महाराज ने ली हुई हिंदू राष्ट्र की शपथ लेना अपराध है? दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए, क्या हिंदू राष्ट्र की शपथ लेना अपराध है? क्या हिंदू राष्ट्र की शपथ लेना अपराध है? माता भगिनियों का भी आवाज जाना चाहिए, उनको जजेस को भी पता चलना चाहिए कि अगर हिंदू राष्ट्र की शपथ को अपराध ठहराया तो महाराष्ट्र ही नहीं हिंदुस्तान का हर शिव भक्त सड़क पर उतर कर हिंदू राष्ट्र की शपथ लेगा। इसलिए पुनः अंतिम बार पूछता हूं, क्या हिंदू राष्ट्र की शपथ लेना अपराध है? नहीं। और इसलिए जो अपराध मानता हो माने, हम उस शपथ लेने का काम करते रहेंगे। आज के इस पुण्य पावन दिन पर मैं कुछ बातें यहां पर कहना चाहता हूं। अटल राव पाटिल जी ने कहा कि यहां पर विकास के लिए पैसे ही सरकार ने दिए हैं, इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। लेकिन यहां पर विकास मतलब पर्यटन वाला विकास नहीं चाहिए, यहां आने वाला व्यक्ति केवल दीवारों को मूर्तियों तक देखे इतना नहीं चाहिए। वो यहां अंदर आए तो एक सामान्य व्यक्ति हो या असामान्य व्यक्ति हो अंदर आएगा और जब यहां से ये पूरा विकास और यहां का मॉडल, यहां का डेवलपमेंट, यहां पर का चित्र प्रदर्शनी, यहां पर जो भी ऐसा कुछ बनाया जाएगा कि वो बाहर जाने के बाद धर्मवीर बनकर बाहर निकलेगा। यहां पर कोई बियर वार नहीं चाहिए, यहां पर कोई नशा का सामान नहीं मिलना चाहिए। आसान भाषा में मैं कहूं तो झारखंड में जैनियों का जो तीर्थ है वहां पर उन्होंने 1000 करोड़ रुपए सरकार ने दिए और उसकी घोषणा कर दी कि अब ये पर्यटन स्थान बनेगा, लाखों लोगों को रोजगार बनेगा मिलेगा। हमारे जैन भाइयों ने कहा आप 1000 करोड़ रुपए दे रहे ना, हम 5000 करोड़ रुपए देंगे लेकिन हमारे पवित्र तीर्थ को हम पर्यटन स्थान नहीं बनने देंगे। हमारे लिए वडू पर्यटन का नहीं तीर्थ का स्थान है और इसलिए हमारे शिव भक्त मानते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग है लेकिन 13वां ज्योतिर्लिंग छत्रपति शिवाजी महाराज जी का रायगढ़ है और 14वां ज्योतिर्लिंग वडू है। यह हमारी धारणा है, इसलिए यहाँ का विकास, यहाँ की डेवलपमेंट, यहाँ का पैसा, पैसे की चिंता मत करिए। मैं दिल्ली में बैठा हूँ, 1000 करोड़ रुपए तो मैं लाके दूंगा केंद्र सरकार से, पैसे की चिंता नहीं है। और अभी जब हमारे राजा के देखिए, अब हिंदुस्तान जाग रहा है, इस जगते में हिंदुस्तान को दूर तक का रास्ता दिखाने का काम हमारे ही महाराज जी का विचार कर सकता है और इसलिए 200-300-500 पैसे की तो बात ही नहीं, बस विकास की नीति ऐसी होनी चाहिए कि ये पर्यटन नहीं तीर्थ क्षेत्र बने। सब लोग सहमत है, पर्यटन चाहिए कि तीर्थ क्षेत्र चाहिए? तीर्थ क्षेत्र चाहिए। मैं परसों सरकार को मुंबई में जब मिलूंगा तो आप सब लोगों की भावना वहां तक पहुंचाऊंगा। और अंतिम बात मित्रों, यहां से लेकर क्या जाएंगे? आज हम आए, आप लोग तो यहाँ की समिति जो आयोजन कर रही है ग्राम पंचायत में, उसका आभारी हूं कि आप तो इतने वर्षों से इसको कर रहे हैं। आप सब भी, कई लोग तो परंपरा से आते हैं कि पिताजी आता था, दादा आते थे, आप आ रहे हैं, आपके बच्चे भी आएंगे, लेकिन लेकर क्या जाएंगे? कुछ तो लेके जाना चाहिए ना। प्रतिवर्ष एक ऐसी प्रेरणा, एक लंबा लक्ष्य और एक तात्कालिक लक्ष्य।
हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ऐसा विचार करके यहां से जाना चाहिए, समग्र विचार करके जाना चाहिए, 360 डिग्री विचार करके जाना चाहिए कि हम यहां से क्या लेकर जाएंगे। मित्रों और खास करके मेरे भाई बहन बैठे इधर पत्रकार लोग, इनके लिए भी धन्यवाद की तालियां बजाइए कि आज हम नेताओं को छोड़कर यहाँ पर धर्म योद्धाओं को सुनने के लिए आए हैं। मित्रों यहां से लेकर क्या जाएंगे तो धर्म पर सबसे कठिन समय चल रहा है, केवल संविधान का नाम लेकर हमारे ऊपर आक्रमण बन रहा, कानून का भय दिखाकर धर्म का झंडा हाथ में लेना अपराध बताया जा रहा है। इस देश में अपने आप को हिंदू कहना अपराध साबित करने वाले कई राज्य हैं। ऐसे स्थिति में आज की 2023 की यहां से बाहर निकलते ही हमारा संकल्प होना चाहिए कि बचा हुआ जीवन हम जिस हमारे राजा ने जिस धर्म के लिए दिया उस हिंदू राष्ट्र के बचाने के लिए हम हमारा बचा हुआ जीवन लगाएंगे। ये संकल्प आज हम यहां से लेकर जाए यह अपेक्षा यहां से व्यक्त करता हूं। आपने मुझे यहां पर बुलाया, वैसे नहीं बुलाएंगे तो भी मैं आऊंगा, लेकिन आपने बुलाया, बात रखने का अवसर दिया, क्योंकि आजकल ऐसी बातें सुनने वाले भी कहां मिलते हैं। ऐसी बात सुनने के बाद कई लोगों को राजनीतिक डर होता है, भय होता है, लेकिन हमको बुलाने वाले भी वही होते हैं जो सुन सकते हैं, सुना सकते हैं। इसलिए आप सभी का धन्यवाद और महाराष्ट्र के सभी नागरिकों की तरफ से बिट्टा जी का धन्यवाद कि वो यहाँ आए। मैं आपको बिट्टा जी के बारे में अंतिम बात बताकर आपको उनको बुलाऊंगा। आप जानते हैं कि आपके सामने बैठा हुआ ये सरदार कौन है? किसी को लगेगा कि पंजाब से आए हुए हैं, कांग्रेस के नेता थे। ये वह व्यक्ति है विश्व में जैसे हमारे राजा को धर्मवीर कहा जाता है, वैसे आज पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं विश्व में किसी को जिंदा शहीद कहा जाता है तो मनिंदर सिंह बिट्टा को कहा जाता है। इनके शरीर में आज जितनी हड्डियां है उससे ज्यादा वजन के तो लोहे के रॉड है। इतने बम धमाके इनके ऊपर हुए और उतने लोग बलिदान हुए इनके साथ चलने वाले कार्यकर्ता से लेकर पुलिस वाले। आज इस देश में खलिस्तान का आंदोलन कुछ लोग चला रहे हैं। उस खलिस्तानियों को 80 के दशक में जब खलिस्तान का आंदोलन चल रहा था, जब तिरंगा हाथ में लेकर कोई खड़ा नहीं हो रहा था, तब तिरंगे को हाथ में लेकर पूरे हिंदुस्तान की यात्रा करने वाला ये वीर आज हमारे बीच में है। इनका ये किस दल में है? अभी हालांकि किसी दल में नहीं है, आजकल इन्होंने दल छोड़ दिए हैं, अब ये भारत माता के सुपुत्र है, वही दल देख रहे, लेकिन आज उनको ये सम्मान देकर आपने इस सम्मान को भी बढ़ाया है। मैं बिट्टा जी का आज यहाँ पर आने के लिए धन्यवाद पुनः व्यक्त करता हूँ। आपने मुझे बुलाया इसके लिए पुनः धन्यवाद। आज के इस पुण्य पावन पर्व पर मैंने कुछ कटु शब्दों का, तीखे शब्दों का उपयोग किया, किसी को बुरा लगा होगा तो भी वापस नहीं लूंगा, क्योंकि उनको सुनाने के लिए बोला। एक गोष्ट मराठी मध्ये सांगतो, आज या ठिकाणी मिलिंद एक बोटेजी आमच्या बरोबर आले। इथं आल्यानंतर पोलिसांनी त्यांना सांगितलं का त्यांच्या विरुद्ध या ठिकाणी प्रवेश बंदीचा वगैरे आदेश आहे, तर ते लगेच बाहेर चालले होते। त्यांनी सांगितलं का मला आता तुमचा आदेश भेटला नव्हता, परंतु मी असाच लगेच बाहेर जातो, माझं दर्शन झालेलं आहे। मी त्यांना सगळ्यांच्या वतीने आग्रह केला का तुम्ही या ठिकाणी थांबा, आता हिंदुस्थानामध्ये महाराष्ट्रामध्ये हिंदुत्ववादी सरकार आहे, अशा सरकारच्या काळात तुम्हाला कसं कुणी हद्दपारीचा आदेश देऊ शकतं? आम्ही तुमच्या बरोबर आहे, तुम्ही माझ्या गाडीत आलेले आहात। जर FIR इथे येण्याबद्दल होणार असेल तर 1826 FIR मध्ये सुरेश चव्हाण तिथे नाव टाका, पण तुम्ही इथे थांबा। मी प्रशासनाचे त्यांना, पण तरीही ते शिवभक्त आहे म्हणून त्यांनी असा संकल्प घेतला की मी आज भाषण करणार नाही। मिलिंद भाऊंचा या स्थानासाठीचा संघर्ष खूप मोठा आहे आणि म्हणून ते या ठिकाणी आलेच पाहिजे असा माझा आग्रह होता। तुम्ही सहमत आहात ना? त्यामुळे मिलिंद भाऊंनाही धन्यवाद।